अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही इजी सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन का भिंडी गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी गोश्त बनाना। रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 kg रेगुलर चिकन ली है, 1.5 पाव भिंडी ले ली थी जिसे मैंने कट कर लिया है, इस शेप में कर लिया है आगे से और पीछे से। इसे वॉश करके सुखा कर मैंने इसे कट कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, 1 प्याली ऑयल लेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे, इन्हें मैंने इस तरह कट कर लिया है छोटा छोटा। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, इसे मैंने फ्रेश ही पीसा है। और 3 टेबलस्पून हम यहाँ पर दही लेंगे, इसको अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। 2 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, यहाँ कुछ गरम मसाले लिए हैं जिसके अंदर 1 बड़ी इलायची लेंगे, 2 से 3 छोटी दालचीनी के टुकड़े लेंगे, 8 लौंगे लेंगे और 10 से 12 काली मिर्च लेंगे, 3 टीस्पून लाल पिसी मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ सॉल्ट लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, इसे मैंने कूट लिया है, तो इसे आप लोग फ्रेश कूट लीजिएगा। ग्रीन चिली लेंगे और हरा धनिया लेंगे गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, और थोड़ा सालन में भी डालेंगे और ग्रीन चिली सालन में डालेंगे। आप जितनी पसंद करना चाहें उतनी ले सकते हैं। तो चलिए भिंडी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है। कोई भी एक पॉट ले लेंगे जिसमें हमें भिंडी गोश्त बनाना है, फ्लेम ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पॉट रखेंगे, इसे गर्म होने देंगे, ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले हम इस भिंडी को फ्राई करके निकाल लेंगे, हाफ फ्राई करके। भिंडी हम इस तरह फ्राई कर लेंगे तो इससे हमारे सालन में भिंडी का लेस पैदा नहीं होगा। तो ये देखिए, बस हमें इसी स्टेज पर भिंडियों को वापस निकाल लेना है। फ्लेम लो कर दूंगी मैं और भिंडियाँ निकाल लूँगी। अब हम यहाँ प्याज ऐड करेंगे। अब फ्लेम मीडियम कर दूंगी और मीडियम कर हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम अपनी यहाँ चिकन ऐड कर देंगे। फ्लेम लो कर दूंगी मैं, चिकन को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। बस अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। फ्लेम मीडियम करके मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद हम अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे। माफ़ कीजिएगा, मुझे बोलने में परेशानी हो रही है, आज मेरा गला ख़राब हो रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब इसके बाद पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि मसाला लगे नहीं नीचे से। अब इसके बाद हम 1 by 1 सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जाएगा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिक्स करेंगे।
जो हमने गरम मसाला निकाला था वो सब चला जाएगा इसमें। ये आप साइड में से सारी इसकी जो साइड में मसाला लग जाता है ये बीच बीच में आप साफ करते जाएं। अब हमें इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। यहाँ एक कप मैंने पानी लिया था। थोड़ा थोड़ा सा करके मैं भुनाई में इसे ऐड करूँगी। हाँ, मैंने मसाला मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैं टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर डालने के बाद अब हम इसे भुनेंगे। इतना भुनेंगे कि मसाला तेल छोड़ दे। अब ये जो हाफ कप हमारा पानी बचा था ये बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मसाला भूनते जाएंगे। जहाँ आपको ऐसा लगे कि हमारा मसाला खुश्क हो रहा है, टमाटर नहीं गले हैं, तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके मसाले को बहुत अच्छे से भूनिएगा। क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुनेगा, जो भी हम सालन बना रहे होंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं मुझे कुक करते हुए, मसाले को भूनते हुए, लेकिन अभी थोड़ा ये कच्चा है, तो ये जो बाकी का जो पानी बचा था मैं ये भी ऐड कर दूँगी। बस अब इसे मैं थोड़ी मीडियम फ्लेम करके मज़ीद भून लूँगी। इसके बाद हम भिंडी ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुनने लग गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब यहाँ इस स्टेज पर मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक दही ऐड नहीं किया, दही कब ऐड करेंगी। बस थोड़ा सा 2-4 दफ़ा मैं स्पून चला लूँ इसका, उसके बाद मैं दही ऐड कर दूँगी। अच्छा, भिंडियों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2-3 दफ़ा मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी, उसके बाद दही ऐड करूँगी। अब यहाँ इस स्टेज पर मैं दही ऐड कर दूँगी। आप इस स्टाइल से बनाइए भिंडी गोश्त, तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। सभी बनाते हैं अपने घरों में, सबके तरीके डिफरेंट होते हैं। आप मेरे तरीके से भी इसे ट्राई कीजिएगा। अब ये जो हमने ज़ीरा पाउडर रखा था फूट कर, अब मैं ये ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस अब हम इसे मीडियम फ्लेम करके 3 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मसाला भुन रहा है, बहुत अच्छा भुन रहा है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है घर में। तो आप लोग इसी तरह बहुत अच्छा मसाला भूनिएगा तो आपका भी सालन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब यहाँ इस स्टेज पर 3 मिनट मुझे हो चुके थे इसे भूनते हुए। यहाँ मैं मेजरिंग कप के हिसाब से पानी ले रही हूँ। पहले मैं 1 कप ऐड करूँगी, उसके बाद मैं चेक करूँगी, फिर जितना मुझे इसका शोरबा रखना है या ड्राई बनाना है, जिस तरह भी आप लोग पसंद करें उस तरह आप इसे बना सकते हैं। मैं थोड़ा शोरबा इसका रखूँगी क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये मैं 2nd कप ऐड कर रही हूँ पानी। एक कप और पानी ऐड कर रही हूँ, मीन्स कि मैंने इसमें 3 कप पानी शोरबे के लिए डाले हैं और 1 कप पानी मैंने भूनते हुए डाला था, तो तकरीबन 4 कप्स इसमें पानी ऐड किया है हमने। तो अब हम इसे लो फ्लेम करके तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे जो है पकने देंगे ताकि हमारी भिंडियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो अब हम इसके लिए कवर कर देते हैं। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए भिंडियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। अब लेड हटा दी है। अब यहाँ जो ग्रीन चिली मैंने, ओके फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला क्लिप मैं आपको शो नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये आपको ऐसे ही बता देती हूँ। सालन हमारा फुल रेडी हो चुका है। बस ये मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ जो ली थी ये मैं सालन में ऐड कर रही हूँ, और हरा धनिया जो लिया था उसे कटिंग कर कर मैं ऐड कर दूँगी। इससे सालन का लुक भी बढ़ जाएगा और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा।
तो बस आप लोग भी लास्ट में यही कीजिएगा, 2 मिनट के लिए फ्लेम खोल के लिड कवर करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। सालन हमारा परफेक्टली रेडी है। ओके, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।